आज हम आपको इसराइल और फलस्तीन के दरमियान होने वाले तमाम वाकयात की एक टाइमलाइन दिखाने जा रहे हैं। एक ऐसा क्रिटिकल तनाजा जो आज वर्ल्ड वार 3 की बुनियाद बन सकता है। चुनाचे आज की वीडियो में हम खास तौर पे देखेंगे कि पहली जंग अजीम के बाद यहूदियों को फलस्तीन आने की इजाज़त कैसे मिली। फलस्तीन आने के बाद यहूदी इस सरजमीन पे इसराइल की बुनियाद रखने में कैसे कामयाब हुए। अरबों और इसराइलियों के दरमियान कौन सी अहम जंगें हुईं और हमास का जन्म कैसे हुआ। व्यूअर्स, मैं हूं एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। व्यूअर्स, इस तनाजे को समझने के लिए हमें पहली जंग अजीम पे आना पड़ेगा, जिसमें एक तरफ अलाइड पावर्स जिनमें फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल थे, जबकि दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स थीं जिनमें जर्मनी, उस्मानी सल्तनत, ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया वगैरह शामिल थे। सन 1914 में जब इस जंग का आगाज हुआ तो फलस्तीन उस वक्त मुकम्मल तौर पे उस्मानियों के जेरे कंट्रोल था, जिसके हुक्मरान उस वक्त के उस्मानी सुल्तान मोहम्मद 5 थे। उस्मानी सलातीन ने अपने खात्मे तक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के किए गए उस मुआहदे की पासदारी की, जिसकी रूह से यहूदियों को फलस्तीन में जगह लेने की इजाजत ना थी। लेकिन अब ये मुआहदा खत्म होने वाला था। उस्मानी सल्तनत ने इस जंग में छलांग तो लगा दी, लेकिन ये सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट वाली सल्तनत ना थी, बल्कि उन दिनों उस्मानी सल्तनत हर लिहाज से जवाल का शिकार थी। दूसरी तरफ अलाइड पावर्स खासी मजबूत और चालाक नजर आ रही थीं। इनमें उस वक्त की सुपर पावर बरतानिया भी शामिल थी, जिसके बादशाह किंग जॉर्ज थे। चूंकि बरतानिया को पहली जंग अजीम में सपोर्ट चाहिए थी, तो बरतानवी हुक्मरानों ने बहुत चालाकी से तीन तरह के मुआहदे किए। उनका पहला मुआहदा अरब के शरीफ मक्का हुसैन इब्ने अली से था। चूंकि ये इलाका उन वक्तों में उस्मानियों के जेरे कंट्रोल था, चुनाचे बरतानवी हुकूमत ने इनसे मुआहदा कर लिया कि अगर ये लोग उस्मानियों के खिलाफ बगावत कर देंगे और बरतानिया का साथ देंगे तो जंग जीतने के बाद पूरे अरब में इनकी खिलाफत कायम कर दी जाएगी, और बिलाशुबा इसमें फलस्तीन का इलाका भी शामिल था। इसी तरह बरतानिया का दूसरा मुआहदा हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ था, जो ब्रिटिश राज के जेर कंट्रोल होने के बावजूद खिलाफत उस्मानिया को सपोर्ट कर रहे थे। चुनाचे इनकी सपोर्ट के बदले बरतानवी राज ने इनसे ये वादा किया कि जंग जीतने के बाद खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा ना जाएगा और खिलाफत को बरकरार रखा जाएगा। बरतानिया का तीसरा और सबसे अहम मुआहदा ज़ायनिस यहूदियों के साथ था, और उनके साथ के बदले उन्हें फलस्तीन का पूरा इलाका इनायत कर देने का वादा किया गया। इन तीन मुआहदों में से सिर्फ एक पे अमल दरामद किया गया, और वो मुआहदा यहूदियों के साथ किया गया मुआहदा था। चुनाचे सन 1917 में बरतानवी फौज ने जब फलस्तीन फतह किया तो उस वक्त के ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बालफोर ने ज़ायनिस्ट मूवमेंट के सरबरा वाल्टर रॉसशील्ड को एक खत लिखा, जिसमें बरतानवी हुकूमत ने फलस्तीन को यहूदियों की सरजमीन करार दे दिया। व्यूअर्स, इसी खत को बालफोर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, जो फलस्तीन में यहूदियों की आमद का बायस बना। सन 1918 में जब जंग अजीम खत्म हुई और सेंट्रल पावर्स ये जंग हार गईं, तो इत्तेहादी ताकतों ने सबसे पहले उस्मानी खिलाफत को छोटे छोटे मुल्कों में तकसीम किया। खिलाफत का निज़ाम मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया। चुनाचे अरबों और हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ किए गए तमाम वादे एक ही झटके में चिकनाचूर हो गए। यहाँ ये भी आपको बताते चलें कि इसके बाद अरब में अंग्रेज़ों ने शरीफ मक्का की बजाय इब्ने सऊद को सपोर्ट किया, जिन्होंने अरब में सऊदी सल्तनत की बुनियाद रख दी, जिसे आज सऊदी अरब के नाम से जाना जाता है। सन 1947 में दूसरी जंग अजीम के बाद होलोकॉस्ट से बच जाने वाले 70,000 यहूदियों ने फलस्तीन का रुख किया, जिससे मकामी अरबों और इन नए आने वाले यहूदी सेटलर्स में एक तसादम शुरू हो गया। बरतानवी प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटले ने इन हालात के पेश नज़र फलस्तीन से मुकम्मल तौर पर निकलने का फैसला किया,
اور ان کا معاملہ اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز کے سامنے رکھ دیا۔ چنانچہ یونائٹڈ نیشنز نے اس علاقے کو دو ریاستوں یعنی فلسطین اور اسرائیل میں تقسیم کرنے کی تجویز دے دی، اور جیسا کہ آپ میپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تجویز کے مطابق تقریباً 56% علاقہ یہودیوں کو جبکہ 44% فلسطینیوں کو دینا تھا، اور یروشلم کا علاقہ جو تینوں ابراہیمی مذاہب یعنی اسلام، کرسچینٹی اور یہودیت کے لیے اہم تھا، اس علاقے کو یونائٹڈ نیشنز کے زیر کنٹرول رکھا گیا۔ فلسطینیوں کے لیے یو این کا یہ فیصلہ قابل قبول نہ تھا کیونکہ ان کے مطابق فلسطین کا پورا علاقہ ان کا تھا، لیکن یہودی چونکہ کسی بھی طرح فلسطین پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے بغیر کسی ہیل حجت کے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا، اور 15 مئی سن 1948 میں یو این کے دیے گئے 56% حصے پہ اپنے ملک اسرائیل کی بنیاد رکھ دی، جس کے پہلے پرائم منسٹر ڈیوڈ بن گوریون تھے۔ اس نئی یہودی ریاست کو سب سے پہلے یونائٹڈ سٹیٹس کے پریزیڈنٹ ہیری ٹرومین نے تسلیم کیا، اور ویورز یہاں سے ہی اسرائیل کے لیے امریکن ایڈ اور سپورٹ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہودیوں نے اپنے ملک کی بنیاد رکھتے ہی ایک ایسے ظلم کی شروعات کی کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ انہوں نے اپنے علاقوں سے یعنی اسرائیل سے تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو نکال کے مختلف ریفیوجیز کیمپس میں بھیج دیا۔ اسرائیلی فوج کے ذریعے 500 سے زیادہ فلسطینی دیہاتوں کو ملیا میٹ کر دیا گیا، اور یہی نہیں بلکہ یہاں رہنے والے تمام لوگوں بشمول بچوں اور عورتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کے بعد ان علاقوں کے نام تک تبدیل کر دیے گئے، اور عربوں یعنی فلسطینیوں کے ان علاقوں میں واپسی پہ پابندی لگا دی۔ فلسطینی تاریخ میں اس دن کو النقبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ایک عظیم تباہی کے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے اس جینوسائیڈ کے نتیجے میں پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ پڑوس کی عرب ریاستیں جن میں ایجپٹ کے بادشاہ فاروق ون، سعودی عرب کے بادشاہ عبدالعزیز اور اردن کے بادشاہ عبداللہ نے ایک اتحاد بنا لیا اور اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے اسرائیل پہ چڑھ دوڑے۔ اور ویورز یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ان تمام ممالک میں صرف مصر کے پاس ایک مضبوط فضائیہ موجود تھی جس نے اسرائیل پہ بہت کاری ضرب لگائی۔ عربوں کے اس حملے کے نتیجے میں اردن نے ویسٹ بینک یعنی یروشلم اور مصری فوج نے غزہ کے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا، لیکن ویورز اس جنگ میں اصل کامیابی تو اسرائیل کو ملی تھی۔ اسرائیلی پرائم منسٹر ڈیوڈ بن گوریون اور ان کے انڈر ملٹری اور سیاسی قیادت نے بھی کمال کی پلاننگ کی۔ اسرائیل جو کہ پہلے 56% علاقہ کنٹرول کر رہا تھا، اس جنگ کے بعد اب 78% سے زیادہ علاقے پہ قبضہ کر چکا تھا۔ یہ جنگ سن 1949 تک جاری رہی، تاہم جنگ کے خاتمے کے بعد بھی عرب اور اسرائیلیوں کے درمیان تعلقات زیادہ اچھے نہ تھے۔ چنانچہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان اگلا بڑا مارکا 1967 کی 6 روزہ جنگ تھی، کہ جب صرف 6 دنوں میں اسرائیل نے عربوں پہ وہ ضرب لگائی کہ جسے آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ 14 مئی سن 1967 میں مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے اسرائیلی مظالم کے خلاف اپنی افواج کو سرائے سینا میں جمع کرنا شروع کیا۔ اس کے کچھ دنوں بعد اردن کے بادشاہ شاہ حسین نے مصر کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا اور اپنی پوری فوج کو مصر کی کمان میں دے دیا۔ جہاں تک سعودی عرب کی بات ہے تو کنگ فیصل نے 20,000 سعودی فوجیوں کو اردن کے محاذ کی طرف بھیجا۔ ویورز، عرب اتحاد میں اس دفعہ ایک ایسی طاقت بھی شامل تھی کہ جس نے اسرائیلی ایئر فورس کو لوہے کے چنے چبوا دیے۔ اس دفعہ عرب فوج میں پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس بھی شامل تھے۔ پاکستان ایئر فورس کے سربراہ نور خان نے صدر ایوب خان کے حکم پر تقریباً 15 پائلٹس اس جنگ میں بھیجے۔ ان پائلٹس میں کیپٹن ستار الوی اور سیف الاعظم سر فہرست ہیں، جنہوں نے کئی اسرائیلی طیارے مار گرائے۔ دوسری طرف اسرائیل کے اس وقت کے پرائم منسٹر لیوی اشکول تھے، جنہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے ایک ایسی پلاننگ کی کہ جو عرب اتحاد کو بہت مہنگی پڑی۔ اسے مصری ایئر فورس کی کم عقلی کہا جائے یا ٹریننگ کی کمی، کیونکہ اسرائیلی ایئر فورس نے پوری کی پوری مصری ایئر فورس کو زمین پہ ہی تباہ کر دیا۔
और इसराइली एयरफोर्स को फिजाई बलादस्ती या एयर सुप्रीमेसी मिल गई, यानी अब मिस्री आसमानों में इसराइली जहाजों का मुकाबला करने वाला कोई ना था। इसके बाद इसराइली ग्राउंड फोर्सेज ने मिस्रियों के सराय सीना और गाजा के भी पूरे इलाके पे कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ इसराइली फौज ने शाम से गोलान हाइट्स और उर्दन से वेस्ट बैंक का भी पूरा इलाका छीन लिया था। इसराइली फौज की इन फतूहात की बदौलत अब फलस्तीन का पूरा इलाका इसराइल के जेरे कंट्रोल आ चुका था। व्यूअर्स, यहां आपको ये भी बताते चलें कि 6 रोजा इस जंग के बाद फलस्तीनियों को काफी हद तक यकीन हो चुका था कि यहूद को इस इलाके से मुकम्मल तौर पर निकालना अब अरबों के बस की बात ना थी। चुनाचे उन्होंने खुद अपनी जद्दोजहद का आगाज किया, जिसके नतीजे में PLO यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई, जिसके पहले चेयरमैन अहमद सुकेरी थे। इस ऑर्गेनाइजेशन का बुनियादी मकसद किसी भी कीमत पर इसराइलियों को फलस्तीन की सरजमीन से बाहर निकालना था। चुनाचे PLO ने इसराइलियों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, लेकिन फिर कई वजूहात की बिना पे PLO भी फलस्तीन की सरजमीन को 2 हिस्सों में तकसीम करने पे रजामंद हो गई, जिसके नतीजे में मजीद यहूदी सेटलर्स ने फलस्तीन का रुख किया। इन सब हालात में पहले इंतफादा का आगाज हुआ, जिसमें आम फलस्तीनी मैदान में आ गए और गजा और वेस्ट बैंक में इसराइलियों के खिलाफ मुजाहरों का एक सिलसिला शुरू हुआ, जो तकरीबन 4 साल तक जारी रहा। इन मुजाहरों के नतीजे में सन 1987 में अहमद यासीन ने हमास की बुनियाद रख दी, जिसका मकसद गजा और वेस्ट बैंक में इसराइलियों के खिलाफ जिहाद करना था। फलस्तीनियों और इसराइलियों की इस जंग के खात्मे के लिए अमेरिकन्स भी सामने आ गए। अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने PLO के तीसरे चेयरमैन यासर अराफात और इसराइली प्राइम मिनिस्टर रेबिन के दरमियान पहला ओस्लो मुआहदा सन 1993 और दूसरा सन 1995 में कराया। इन मुआहदों के मुताबिक फलस्तीनियों के इलाकों यानी गाजा और वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में तकसीम कर देना था। एरिया ए वो इलाका था जो मुकम्मल तौर पर फलस्तीनियों के जेरे कंट्रोल था, जो कि आप मैप में सफेद इलाका देख सकते हैं। एरिया बी वो इलाका था जो फलस्तीनियों और इसराइलियों के मुश्तरका कंट्रोल में होना था, जो कि मैप में सब्ज रंग का इलाका दिखाया गया है। और एरिया सी मुकम्मल तौर पे इसराइलियों के जेरे कंट्रोल होना था, जो कि मैप में नीले रंग से नुमाया किया गया है। लेकिन इस मुआहदे से फलस्तीनियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होता नजर आ रहा था, क्योंकि एरिया सी जो के मुकम्मल तौर पे इसराइलियों के जेरे कंट्रोल था, ये सारा इलाका जरखेज था और सारा पानी और रिसोर्सेज भी इसी इलाके में थे। चुनाचे इस मुआहदे के बाद अब फलस्तीनियों को यहाँ जाने या इन वसाइल से फायदा उठाने की इजाजत ना थी। चुनाचे फलस्तीनियों ने दोबारा एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में दूसरे इंतफादा का आगाज हुआ और आम फलस्तीनियों ने पत्थरों और गुलेलों से लड़ना शुरू कर दिया। इस एहतजाज के नतीजे में इसराइल ने फलस्तीनी इलाकों के गिर्द एक दीवार बनाना शुरू कर दी, जिससे फलस्तीनियों की नकल व हरकत को कंट्रोल किया जाने लगा। व्यूअर्स, ये दीवार बनाने के बाद अब फलस्तीनियों का इलाका दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुका है। सन 2005 में इसराइल गाजा से निकल गया, जिसकी बदौलत गाजा में हमास काफी ताकतवर हो गई और कुछ ही अरसे में हमास ने PLO से अलीहदगी इख्तियार कर ली। तो यूं अब वेस्ट बैंक में PLO जबकि गाजा में हमास का कंट्रोल था। सन 2017 में जब गाजा में हमास का असर व सूख हद से ज्यादा बढ़ने लगा, तो इसराइल ने गाजा की नाकाबंदी कर दी और इस इलाके में जमीनी, हवाई और समुद्री नकलो हरकत पे पाबंदी आयद कर दी। इस नाकाबंदी के बाद गाजा का इलाका मुकम्मल तौर पे बाहर की दुनिया से कट चुका था, जिसके बाद इसराइल की तरफ से इस इलाके पे वक्तन फवक्तन बमबारी भी की जाती और हर दफा सैकड़ों फलस्तीनियों को शहीद कर दिया जाता। इन तमाम हमलों के नतीजे में हमास ने 7 अक्टूबर सन 2023 में इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का आगाज किया, जिसमें शुरू के कुछ घंटों में ही 5000 से ज्यादा रॉकेट इसराइल पे बरसाए गए और इस हमले को तारीख का सबसे बड़ा हमला करार दिया गया।
इस हमले के नतीजे में इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेथन याहू ने फलस्तीनियों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और इसराइली एयरफोर्स ने गजा के इलाके पे बमबारी का आगाज किया, जिसमें अब तक हजारों फलस्तीनी बाशमूल बच्चे शहीद हो चुके हैं। व्यूअर, सन 2001 से अब तक हमास और दूसरे रेजिस्टेंट ग्रुप्स की तरफ से इसराइल की तरफ तकरीबन 36,000 रॉकेट फायर किए गए, जिसके नतीजे में इस 23 साल के अरसे में 70 इसराइली हलाक हुए। जबकि इसराइल की जवाबी बमबारी के नतीजे में सन 2001 से लेके अब तक 11,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जहां तक मुसलमानों की बात है तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास कोई ऐसा लीडर नहीं जो उम्मत को इकट्ठा करे और बातिल के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाए। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।